नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी और मणिपुर में आखिरी चरण के प्रचार का थमा शोर। यूपी के सातवें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों और मणिपुर में 22 सीटों के लिए 8 मार्च को डाले जाएंगे वोट। यूपी में प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने दिखाया दम। रोहनिया की रैली में सपा, बसपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बुआ भतीजा और भतीजे का यार प्रदेश का नहीं कर सकते भला। पीएम ने आज गड़वा घाट पर दर्शन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। यूपी के महाभारत में आज जौनपुर में सीएम अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम ने बिजली को बना दिया हिंदू मुसलमान। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, पीएम मोदी हैं यूपी के अघोषित सीएम उम्मीदवार। बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत 13 नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक केस चलाने के दिए संकेत। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर जताई चिंता। अब 22 मार्च को आएगा फैसला। मानहानि मामले में राम जेठमलानी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच हुई तीखी नोकझोंक। जेटली ने कहा, मेरे इमेज को पहुंचा धक्का। तो वहीं राम जेठमलानी ने कहा, खुद को महान समझते हैं आप। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की अमेरिका ने की निंदा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान। कहा, खतरे से निपटने के लिए लगा देंगे पूरी क्षमता। उत्तर कोरिया ने जापानी सागर में दागी है 4 बैलिस्टिक मिसाइलें। और बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन पुजारा और रहाणे ने टीम इंडिया की कराई वापसी। 4 विकेट खोकर भारत ने बनाए 213 रन, ऑस्ट्रेलिया पर 126 रनों की बढ़त। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।